देखिए, पिछले 2 दिन से पूरे राजस्थान भर में बहुत मोटे ओलों के साथ में बारिश हुई है। और ये बारिश जो हुई है वो वैसे तो कहते हैं कि बारिश किसानों के लिए अमृत का काम करती है, परंतु इस बारिश ने सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर किसानों की कमर तोड़ करके रख दी है। और उसकी जो पकी पकाई फसल है, क्योंकि होली के आस पर किसान फसल को काटने की तैयारी करता है और उसको लगता है कि अब तो घर में पैसा आने वाला है, लेकिन इस बारिश के कारण से अब उसके घर में पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई है। और ऐसी स्थिति में जब राम तो रूठे ही रूठे, राज भी रूठ जाए, तो किसान कहाँ जाए? क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष में सिर्फ 2 ही फसलें होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। और किसान इन आपदाओं से बचे इसलिए फसल का बीमा कराया जाता है, और इस बीमे की का 1% जो प्रीमियम की राशि है उसका 1% किसान की ओर से, और उसके जो रिमेनिंग प्रीमियम है उस रिमेनिंग प्रीमियम का 50-50% स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जमा होता है। पूरा लगभग 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया कांग्रेस की सरकार आए, लेकिन खरीफ की फसल की बात करें या रबी की फसल की बात करें, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ये 2 फसलें किसान ने बोई है, और दोनों फसलों में प्रीमियम की राशि जो बनती है वो प्रीमियम की राशि लगभग 2115 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जमा नहीं कराया है, जबकि किसान की ओर से जमा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जमा करा दिया गया। अब जब उस चीज़ का लाभ किसान को मिल सकता था फसल बीमा योजना के तहत, उसके बावजूद भी राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से राज्य सरकार का जो राज्यांश है 2115 करोड़ रुपया, वो जमा नहीं होने की वजह से अब किसानों को मुआवजे के रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और उसको जो फसल के पकने की जो खुशी थी वो खुशी जो है उसकी आंसुओं में बदल गई है। इसलिए ये सरकार जो है जब से आई है, जब से ना तो युवाओं के लिए, ना महिलाओं के लिए और ना ही किसानों के लिए, सिर्फ ये जब से आए हैं तब से गुटबाजी में फंसे पड़े हैं। एक सचिन पायलट जी का गुट है, एक अशोक गहलोत जी का गुट है, और इस लड़ाई में ये आए दिन दिल्ली जाते हैं। विभागों की और कोई ध्यान नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। इनके पास अब पैसे देने के लिए, कर्मचारियों को भी पैसा देने के लिए इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाए, इस बात की चिंता है। और हमारी मांग है कि सरकार कैसे भी व्यवस्था करे, पर उस 2115 करोड़ रुपए को जल्दी से जल्दी जमा कराए, और ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। सोशल फाउंडेशन की ओर से 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी पूर्व संध्या पर एक महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो दाता हिंद में रहेगा। 4:15 बजे इसको शुरू करेंगे, और हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, विशेषकर अजमेर की महिलाओं के लिए ये सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हमारी जो पूर्व गवर्नर है गोवा की, जो राज्यपाल रही हैं, ऐसी हमारी मृदुला दीदी आने वाली हैं, और उनका पाथे हमको इस कार्यक्रम के लिए मिलने वाला है। मृदुला जी जो हैं वो राज्यसभा की मेंबर रही हुई हैं पहले, वो बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के उन्होंने बहुत काम किया है, और वो हमारे बीच में उस दिन रहेंगी। चूँकि ये कार्यक्रम महिलाओं को लेकर के, इसलिए इस कार्यक्रम में समस्त व्यवस्थाएं भी महिलाओं की जिम्मेदारी पर है, महिला करने वाली इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में हमारे जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं किरण माहेश्वरी जी, वो भी इस कार्यक्रम में पधारने वाली हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको इस कार्यक्रम के लिए मिलने वाला है। तो इस तरह से उनका एक छोटा सा शेड्यूल हमने बनाया है, वो लगभग 2 बजे अजमेर पधार जाएंगी, और उसके बाद में एक दो जगह उनका तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम है, पुष्कर जाने का उनका कार्यक्रम है। तो इस तरह से उनका पाथे हमें मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के महिलाओं में किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, राजनीतिक रूप से वो कैसे सशक्त बने, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बने, सामाजिक स्तर पर समानता के भाव से वो कैसे देखी जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो स्वस्थ रहें, उसके लिए उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इन सब को लेकर के गोष्ठी का आयोजन हम कर रहे हैं।